अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमजान करीम मुबारक टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी व्यू एंड दिस इज अ वेरी सडन प्लान। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू देयर। ऑब्वियसली गोइंग टू हैव फन। So I hope you like this vlog. If you like this vlog, just like, comment, share and subscribe our channel, and please don't forget hit the bell icon. And if you guys are new to the channel, so please just subscribe. अब नए हो तो subscribe करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Nice. Please appreciate करें and बहुत सारा प्यार दें। So let's start the vlog. So now we are at the destination. अच्छा जी, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे बाहर इफ्तार करने सी व्यू पर, और ये एक बहुत ही सडन प्लान था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग ऑलमोस्ट 6:30 तक हम लोग घर से निकले थे। और बहुत मज़े का सीन ये है कि हम लेडीज़ जो घर में होती हैं, हम लोगों ने खुद ने आपस में सब प्लान कर लिया कि भाई आज ही यहाँ चलना है और बाबा को मनाना है। Nice. लेकिन हमारा ये था कि ज़ाहिर है अबू जॉब से आए, जब हमने उन्हें बताया तो लाइक वो गुस्सा हो गया, हमको सिखा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उन्हें मना लिया। एंड देन वी आर हियर। सो भाई फिर ऐसा अच्छा लगता है थोड़ा बहुत बाहर जाकर कुछ करना। तो फाइनली हम यहाँ आ गए और हमारी इफ्तारी भी हो गई। और लुक एट दिस व्यू गाइस, एंड इट्स मैजिक। वो मैजिक। तो बहुत अंधेरा था और ज़ाहिर है आईफोन के कैमरे से तो ब्राइटनेस और अच्छी हो जाती है, तो मैंने सोचा आप लोगों को इस तरीके का व्यू दिखा दें, क्योंकि हम लोग बहुत लेट गए थे तो बहुत जल्दी अंधेरा हो गया था। और ये अंकल जी हमें बहुत गौर से देख रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बहुत रश था वहाँ पर, हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतना रश होता है। अच्छा जी भाई, तो यहाँ पर ही अम्मा के काम शुरू हो गए हैं, कंगन वगैरह छोटे छोटे से लेना, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, यूनिक सी एकदम। तो इसमें से हम लोगों ने कंगन देखे, मम्मा को कंगन अच्छे लगे, छोटे से क्यूट से बैंगल्स। और भाई फिर हम बहुत बोर हो रहे थे क्योंकि कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करने को थी नहीं। देन फिर हमें बैलून शूटर्स दिखे, तो फिर हमने तो भाई फाइनली डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है। देन वी ट्राइड। और इसके अलावा हमें वहाँ पर वो जो ऊँट वगैरह होते हैं वो भी दिखे नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ा था, रमज़ान था, तो फिर मगरिब का टाइम था, तो फिर सब चले गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ ख़ास हमें वहाँ पर मज़ा नहीं आया। भाई पे हमने भाई से कहा कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो फिर वो हमें भाई ले जा रहे हैं आइसक्रीम दिलाने। यहाँ पे बहुत अच्छा फन हुआ था, वो मैं वॉइस ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा, तो भाई सीन ऐसा था, यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर्स थे, अब हमें तो नहीं पता कि कौन कौन से फ्लेवर्स कौन कौन खाएगा। तो जी फिर हमारा डिसाइड हुआ कि हम चलते हैं और पूछ कर आते हैं, तो फिर अब हम जा रहे हैं पूछने के लिए, और फिर अब सीन जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, ये जरूर चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। बना रही है कैमरा जी? नहीं, वीडियो हमारी नहीं है। नहीं, आपकी नहीं, आपकी क्यों? कंपनी वाले तुम्हारे को बैंड नहीं कर देंगे मेरा भाई? नहीं, बैंड की बात नहीं। और हेट हो जाओगे आप? नहीं, आपकी नहीं आएगी, आपकी नहीं बना रहे ना? बना ले आप। हां हां, मैं बना रही हूं, आप बनाओ। ये है इग्लू की बेहतरीन आइसक्रीम, निकालो निकालो, दो चॉक बार सबका। आई होप आप इस मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। पैसे बता देना छोपरे, इन्होंने क्लियर कहां से आपने? ये चीटिंग हो रही है, ये चीटिंग हो रही है, गुटके ने पता नहीं कौन सा इंडियन ने चीट कर दी था। दिखाओ भाई, दिखाओ।
गलत बात है यार, दिखा जरा कैसी है ये यार, ये भी सामने लगे लिए यार, बिल्कुल चॉकलेट है। आप तो नहीं खाते हो चॉकलेट? मेरे ले लिए ना बेटा, तुम लोग बस तुम लोग खुश हो जाओ, बस इंसान बन जाओ। तुम्हारे लिए हजार रुपए मैं वो बोले एक ही है, तो मैंने कहा चलो एक मेरा जहाँ पाऊँ मैं ना यहाँ पे भी कुछ है। वाओ ब्यूटीफुल, ये कुछ पाकिस्तानी जुगाड़। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हाँ जी। तो ऐसा था कुछ सीन, तो बहुत क्यूट थे वो अंकल और साथ मेरे भाई भी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी क्या प्लानिंग थी। खैर, तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई एंड देन फिर कुछ ये सीन चल रहा था और फिर एकदम से आ गए ढोल वाले, शादी हो रही है ये। खैर, काफ़ी लेट हो गया था, फिर हमने सोचा कि भाई चलते हैं अब, और फिर हमें वहाँ से थोड़ा बहुत सामान चाहिए था चैज़ब से, तो वहीं पे पड़ता है सीवी के साइड, तो हम चैज़ब आ गए। चैज़ब, वाह। खैर, तो चैज़ब आ गए भाई, अब हम चलते हैं और वहाँ पर हमें हमारे बच्चे ने जो तंग किया है कि हम आपको क्या बताएं, वहाँ पर डैडी देख कर तो भाई साहब ख़त्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। क्योंकि ये सीन बड़ा अच्छा था कि ये पार्टीशन कर दी थी ग्रोसरी एक साइड पे, वो बहुत अच्छा था। और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी शॉपिंग। ये रहा वो कॉर्नर जहाँ पर हदिया के बाबा उन्हें लेकर खड़े हुए हैं, एंड आई नो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर व्लॉग, बट फिर भी वी ट्राइड आर बेस्ट, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हुआ है, तो हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे एंड कोशिश करेंगे कि रमज़ान में एक्टिव रहें, क्योंकि रमज़ान में एक्टिव रहना बहुत मुश्किल होता है, व्लॉग बनाना फिर उसे एडिट करना एंड देन उसे अपलोड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट वी ट्राइड आर बेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लीपर्स थे। ईद है, ईद की शॉपिंग तो साथ साथ चलती रहेगी, बट इसके अलावा यहाँ पर लेडीज़ कलेक्शन एंड जेंट्स कलेक्शन बोथ वेर वेरी गुड, सो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर ट्राई करें अपने लिए, यहाँ पर ड्रेसेस बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। एंड लुक एट दिस सैलून, टाइम नहीं था वरना हम अंदर जाके भी आपको ज़रूर विज़िट करवाते। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों की भी क्लोदिंग एरिया वगैरह बहुत VIP बने हुए थे और चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा यहाँ पर ये अम्ब्रेला फ्रॉक्स हैं, ये लॉन्ग फ्रॉक्स थे, इसमें बहुत अच्छी अच्छी वराइटीज़ थी। हमारी शॉपिंग तो साथ साथ चलती रहेगी, आप भी हमें बताइए कि आपको रमज़ान के हवाले से हमारे चैनल पर क्या देखना है, क्या चाहते हैं आप कि हम लोग क्या अपलोड करें, तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में दिमाग बहुत कम चलता है। एंड आई लव दिस फ्रॉक, इसमें वाइट वाला बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ इसके साथ हम हर कलर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो ये परफेक्ट चीज़ थी, तो वो हम लोगों ने फ़्रॉक ज़रूर लिया। और इसके बाद ये ब्लू कलर का शर्ट कुछ ख़ास नहीं लगा, ग्रीन कलर का शर्ट अच्छा लगा लेकिन इसमें कलर नहीं थे ज़्यादा। और फिर यहाँ पर वॉल वॉचेस भी थी और यहाँ पर टॉयज़ भी थे, यहाँ से हम लोगों को घड़ियाँ भी पसंद आई तो हम लोगों ने घड़ियाँ भी ली। इसके बाद भाई हम लोग चलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग। कैन यू सी दिस क्यूट मोमेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह। देन फिर हम लोग यहाँ आ गए ग्रोसरी एरिया में, तो करते हैं शॉपिंग और लेते हैं बहुत सारी चीज़ें और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या हम लेने वाले हैं। बहुत कुछ चाहिए था, फिर हमने वो सब लिया, नूडल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो या ये ली हमने। एंड देन फिर हम लोग आ गए डिटर्जेंट एरिया, यहाँ आ गए, फिर हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले लिया। रश देख रहे हैं आप, खाली 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 तो नहीं है, खैर रश देखें रश, ओ माय गॉड। खैर, ये बहुत क्यूट एरिया था। और फिर हम लोग लेडीज़ थे, तो फिर जाहिर है हमें अपनी शर्ट्स और देखी थी, वो देखी हम, इसमें ये ब्लैक एंड वाइट शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर हमें घर ले आए भाई। एंड देन फिर हमने घर आकर ही फूड ऑर्डर किया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी हमें। और या
So I hope guys you like this vlog. If you like this vlog, just like, comment, share and subscribe our channel. And please don't forget to hit the bell icon. And please remember us in your prayers. Allah Hafiz. See you in the next video. Bye bye. Take care of yourself. Ta-da.